वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्री मिक्स से हम कैसे फटाफट से फलूदा बिना किसी झंझट के बना सकते हैं। गर्मियों का मौसम अभी स्टार्ट होने वाला है तो ये क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है कि चलिए फलूदा खाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्विकली इसे बिना किसी तामझाम कैसे बनाया है। तो देखिए ये मैंने रोज़ फ्लेवर का लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये मुझे 70 रुपीज़ में पड़ा, इसका MRP 75 है। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इसको 1 लीटर दूध में हमको मिक्स करना है, साथ ही इसमें 1 ग्लास पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये पैकेट में ओपन कर लूँगी। इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब सारी चीज़ें हैं, अलग से हमें शक्कर भी नहीं डालना है। तो मैंने सारा जो ये पैकेट खाली कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है। इंस्ट्रक्शंस पे लिखा था कि इसको आप गर्म होने दीजिए, तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो दूध में है बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड किया है। 1 ग्लास बोला था बट मैंने 1/2 ही ग्लास किया है, आप अगर चाहें तो 1 ग्लास भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ये जो सारा पैकेट में जो भी मटेरियल था ये मैंने सारा का सारा ऐड कर दिया है। तो कंसिस्टेंसी अभी जो है इसकी फ़िलहाल एकदम पतली है। तो ये देखिए आप, तो इसको लिखा हुआ है पैकेट में कि इसको आप 15 मिनट तक पकाइए, बट 15 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 15 मिनट में तो इसका पूरा हलवा बन जाएगा, जो सेवई है बहुत ज़्यादा पक जाएगी। तो मैंने इसे 7 से 8 मिनट ही पकाया तो जो सेवियाँ हैं बहुत ही अच्छे से पक गई थी। तो आप गैस का फ्लेम जो है मीडियम रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे कुक कीजिएगा और इसे चलाते रहिए, नहीं तो जो सारा दूध है ये जो फलूदा है ये गिर भी सकता है। तो आप इसे बीच बीच में ऐसे चलाते रहिए। तो ये धीरे धीरे पक रहा है, तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो गैस का फ्लेम जो है हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो मैंने इसे ठंडा करने रख दिया है, 1 घंटा हो चुका है ये, तो और भी थिक हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये थिक हो चुका है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्विंग के लिए आप जो भी ग्लास लेना चाहे, जैसे भी आप खाना चाहे। तो ये मैंने इसमें जो बीज होते हैं तुलसी के बीज, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो ये मेरे पास थे तो मैंने इसे सोक करके ऐड किया है। वैसे तो ज़रूरत है नहीं, तो मैंने ये ऐड कर दिया है फलूदा। आपको जो भी आइसक्रीम पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच आइसक्रीम ले ली है, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी मैंने ऐड की है। बहुत ही डिलीशियस, कम खर्च में बहुत सारे 5 से 6 ग्लास बन जाता है। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।